वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाए, वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम हेमिकोर्डेटा जोलॉजी पेपर सी, ठीक है, या फिर पेपर बी जोलॉजी टू पेपर बी, सॉरी पेपर ए बी एस सी का सेकेंड पार्ट का, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन वाला आपका पार्ट है, यानी जोलॉजी की जो पूरी क्लासिफिकेशन है इनवर्टिब्रेट यानी कॉर्डेट्स टू यानी हेमिकॉर्डेट्स टू इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से इंडिविजुअल्स जो हैं या हमारे जो नंबर्स हैं या मेंबर्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, और आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी सी गुड न्यूज़ शेयर होगी। और उसके लिए क्या करना है, उस न्यूज़ के लिए कि वो जल्द से जल्द आ जाए, उसके लिए ये करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो फिर वहाँ पर किसी भी तरह की जो क्वेश्चन हैं या कोई क्यूरीज हैं, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए उसके बारे में जो है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगता है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको जरूर डिस्कस किया करें। अब फाइलम हेमिकॉर्डेटा है तो इसमें क्या होगा, हेमिकॉर्डेटा मींस कि अभी कॉर्डेटा या जो बैकबोन है या कोड है वो कम्प्लीटली मीन्स हाफ है, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन पर, तो ये ग्रीक वर्ड के हिसाब से आप उसको देखें, इट्स हाफ मींस हाफ कोड है हेमिकॉर्डेटा। इंक्लूड्स द इकोनवर्म्स, इसमें हमारे पास कौन से मेंबर्स आते हैं, इकोनवर्म्स के, जिसकी क्लास का नाम है एंटेरोन्यूस्टा एंड दी टेरोब्रांकी, विच इज द क्लास जो है उसको हम कहते हैं टेरोब्रांकिया क्लास नेम, एंड टेरोब्रांकस आर द मेंबर्स। सो मेंबर्स ऑफ द क्लास लिव मोर ऑन दी जो मेराइन सेडिमेंट्स है, मेराइन सेडिमेंट्स में ही ज्यादा ये रहते हैं। इसके अलावा जो है कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी, उन करेक्टरिस्टिक्स पे देख लेते हैं क्या हो सकती है फाइलम हेमिकॉर्डेटा की करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले दे आर इन द मेराइन ड्यूट्रोस्ट्रोम एनिमल्स है, ठीक है, मेराइन ड्यूट्रोस्ट्रोम एनिमल्स विद डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन्स, ठीक है, इनकी बॉडी के थ्री रीजन होते हैं जिसमें प्रोबोक्सिस, कॉलर एंड ट्रंक, तीन पार्ट है। प्रोबोक्सिस सबसे पहला जो टिप वाला पोर्शन है, कॉलर नेक पोर्शन जिसको आप कह सकते हैं, एंड द ट्रंक जो पीछे से सारा उसका बॉडी होगा, ठीक है। और उसके बाद सिलोम इज डिवाइडेड इनटू द थ्री कैविटीज, और सिलोम की भी तीन कैविटीज होगी हेमिकॉर्डेटा में। सेकेंड इज दी सीलिएटरी फ्रिंजल स्लिट्स, इसमें प्रेजेंट है। फ्रिंजल स्लिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इनको जो है फ्रिंजल स्लिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए भी। नेक्स्ट इज दी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका ओपन रहेगा। ओपन होने का क्या मतलब होता है कि जो ब्लड है वो यानी कि जो ब्लड है इनका वो ट्यूब्स में या कैविटीज में जो है वो नहीं रहता, ओपन उनकी जो बॉडी कैविटी है या सीलोम है उसमें ही होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट इसकी जो क्लासेस मैंने आपको पहले भी बताया, टेरोब्रांकिया है और टेरोन्यूस्टा है, ठीक है। आप सबसे पहले इसकी ए है कि ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक जैसे बिल्कुल कंप्लीट होगा, डोर्सल और सम टाइम द ट्यूबुलर नर्व कोर, नर्व कोर जो है उसमें डोर्सल भी हो सकती है और ट्यूबुलर भी, दोनों साइड्स पर हो सकते हैं। डोर्सल मीन्स की अपर साइड जो होती है, या फिर डाउन साइड पर ट्यूबुलर की फॉर्म में, ट्यूब्स की ट्यूब की शक्ल में हो सकती है, नर्व कोर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास एंटेरोन्यूस्टा, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमने किस तरह के एनिमल्स पढ़ने, जिसको हम मोस्टली नेम देते हैं इकोनवर्म्स का, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द एंटेरोन्यूस्टा आर कॉल्ड द इकोनवर्म्स, दे हैव द इंटेस्टाइन विच इज दी फॉर द ब्रीदिंग, यानी कि इनके अंदर जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है जिससे ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। तो जब आप एक चीज का नेम टर्म का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स या जो भी उसका मीन्स के आप उसको नेक्स्ट इजीली मेमोराइज कर सकते हैं कि उसमें क्या होता है, ठीक है। अब ये मेराइन हो गए, आर द मेराइन वर्म्स एंड दैट आर द यूजुअली कैन बी रेंज बिटवीन द साइज ऑफ द 10 टू 40 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर ले, 10 टू 40 सेंटीमीटर इसको साइज होगा। ऑल दो सम कैन हैव द एज लॉन्ग टू 2 मीटर, ये भी हो सकता है कि कुछ सेंटीमीटर से लेके पूरे पूरे मीटर यानी 2 मीटर तक भी लॉन्ग हो सकते हैं, इतना साइज में वेरिएशन है। Zoologists have described about 70 species, mostly इसकी 70 species अब तक describe हो चुकी है, and the most are the U-shaped burrows in the sandy and the muddy substances. अब पहले ही पढ़ चुके थे कि जो hemichordates mostly आपको sea shores पे नजर आती है, बड़ी बड़ी tubes बनी होती है, इन ट्यूब्स के अंदर या बरोस के अंदर ही ये रहते हैं, ठीक है। मोस्टली इनका वही लाइफस्टाइल है मडी सबस्ट्रेट के ऊपर, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ द हाई एंड द लो टाइड्स, लो और हाई टाइड्स के दरमियान में जो एरिया होता है जहां पे टाइड्स गुजरती है, मड होती है, सैंड होती है, वहां पे ही इनकी ज्यादा ऑक्यूपेशन है।
या उनकी अकोमोडेशन है। द कॉमन नेम ऑफ दी एंथेरोन्यूस आर द इकोनवर्म्स। कॉमन नेम जो है उनका इकोनवर्म्स है एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अपियरेंस। उसकी अपियरेंस जो है इसकी वजह से इसको हम इकोनवर्म्स कहते हैं बिकॉज दे हैव द प्रोबोस्किस। ठीक है, इसके ऊपर प्रोबोस्किस होता है जो टिप है, विच इज द शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, एक शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन है एट द वर्म इंटीरियर, इंटीरियर एंड पे जो उसका फ्रंट वाली साइड है वहां पे एक कोल की तरह का स्ट्रक्चर है। और ये कोल इसलिए भी होती है क्योंकि उन्होंने डिगिंग कर ली है ना, डिगिंग करके बरोस के अंदर या जो मीन्स के जो टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं मटका या बरोस बनाते हैं तो डिगिंग के लिए भी ये जरूरी होता है। ए रिंग लाइक कॉलर इज पोस्टीरियर टू द प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस के पीछे एक कॉलर होगा रिंग की तरह, बिल्कुल जैसे एक नेक का रीजन होता है उस तरह से। एंड इलोंगेट ट्रंक इज द थर्ड डिवीजन, और थर्ड डिवीजन बॉडी में क्या है, इलोंगेट ट्रंक ट्रंक होगी। नेक्स्ट 17.3 में जो है हम इसका वो भी देख लेते हैं फिगर भी। ए सीलिएटेड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है वो सीलिएटेड होगी, सीलिया होगा ताकि गैस एक्सचेंज भी हो सके। ठीक है, एंड द ग्लैंड सेल्स आर ऑल्सो कवर दी वर्ब्स, और ग्लैंड सेल्स ने भी वर्ब्स को कवर किया हुआ है ग्लैंड के सिक्रेशन के लिए। द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल बिटवीन द प्रोबोक्सिस एंड द कॉलर, कॉलर और प्रोबोक्सिस के दरमियान में माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी थोड़ी पोजिशन को अंडरस्टैंड करें कि जो माउथ है वो कॉलर और प्रोबोक्सिस के बिल्कुल दरमियान में वेंट्रल साइड पे होता है, जिसको नीचे वाला एरिया कहेंगे हम डाउन साइड पे। तो डोर्सल आपको पता है जिस साइड पे ऑर्गन्स होते हैं, अपर साइड होती है सीधी वाला जिसको हम कहते हैं, जैसे आवर फ्रंट फेस साइड इज दी डोर्सल साइड। ठीक है, एंड दी बैक साइड इज दी वेंट्रल। तो इस तरह से इसकी इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो साइड्स को, वेंट्रल साइड पे होगा कॉलर और प्रोबोस्किस के दरमियान में। उसके बाद है ए वेरिएबल नंबर ऑफ द फेरेंजियल स्लिट्स फ्रॉम अ फ्यू टू द सेवरल हंड्रेड्स, यानी जो फेरेंजियल स्लिट्स है वो बहुत ज्यादा इसमें थोड़ी भी हो सकती है, फ्यू टू द हंड्रेड्स भी हो सकती है। पोजीशन लेटरली ऑन द ट्रंक, ट्रंक की लेटरल साइड पे यानी जो साइड्स होती है लंबाई के रुख जो है वहां पे फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट है, विच इज फॉर द ओपनिंग बिटवीन द एंटीरियर रीजन एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक कॉल द फेरिक्स। क्योंकि आपको पता है कि फेरिक्स जो है वो क्या होता है, एक्चुअली दिस दी एंटीरियर और द डाइजेस्टिव ट्रैक दोनों के दरमियान में कॉमन ओपनिंग होती है। फेरिक्स ह्यूमन बींग्स में भी ऐसे ही है कि फेरिक्स जो है वो कॉमन ओपनिंग है फॉर डाइजेस्टिव एज वेल एज फॉर दी रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, एट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी और जो बाहर वाला एरिया है उसके साथ जो कनेक्शन है वो भी फेरेंजियल स्लिट्स या फेरिक्स की वजह से ही होता है। तो ये है हमारे पास एंटीरोन्यूस्टा और इसके मेंबर। इसके अलावा जो नेक्स्ट है ये कुछ इसके मेंटेनिंग फंक्शंस हैं। अच्छा जी, तो अब जो है नेक्स्ट आप देखें इस डायग्राम को, ये एंटीरोन्यूस्टा 17.3 जो डायग्राम है एंटीरोन्यूस्टा की है। ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका यानी लॉन्ग साइड पे जो है कट करके उसको दिखाया गया किस तरह से उसके स्टार्ट पे शुरू में बिल्कुल टिप वाली साइड पे जो है वो प्रोबोस्किस है, प्रोबोक्सिस जो है उसकी सीलोम भी है जाहिर है इंटर वाला एरिया में जो सारा उसका फ्लूइड का मटेरियल होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट उसका माउथ है जो वेंट्रल साइड पे होगा, कॉलर नीचे सर्कुलर सा रिंग है। ठीक है, और उसके बाद फेरेंजियल स्लिट्स है और वेंट्रल उसकी जो नर्व कोड है। तो ये डायग्राम आपने इसको इसी तरह देख लेना, ज्यादा आई होप कि डायग्राम जो है वो आपको समझ आ जाएगी। ग्लोमेरुलस है, प्रोबोक्सिस स्केलेटन है, डोर्सल नर्व कॉर्ड है एंड द फेरेंजियल स्लिट्स और पाउचेस वगैरह उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए ये सब जब फंक्शन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती इसलिए वीडियो को भी थोड़ा लेंथी नहीं करेंगे हम, यही इसको हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसके मेंटेनेंस फंक्शन है वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद करें रखें और दुआ करें कि मैं जल्दी से जल्द जो है वो ठीक हो जाऊँ। ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें। पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करें कि आपको लेक्चर पसंद आता है, और अगर नहीं भी आता तो फिर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और आज तो एक कमेंट ज़रूर बनता है मेरी मेरी हेल्थ के लिए, और इसके अलावा कि कोई भी अगर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।